हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की स्पेशल सेशन में। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी अबाउट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज हम एनवायरमेंट के बारे में। आपका जो पेपर फर्स्ट है, तो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन जाकर के आप गूगल प्ले स्टोर से एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। और आप वहां पे जब जाएंगे तो आप अपना एनटीए यूजीसी नेट गोल को सेलेक्ट करिएगा और आपको एन अकेडमी 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है। और अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मानेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम आप लोगों को 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए, जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आप वहां पे मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करना मत भूलिएगा। SAF10 जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको वहां पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। और गाइस, एक चीज मैं अभी बता दूं कि फीस, आप एक नई स्लाइड देख रहे हो स्क्रीन पर, आप बिफोर 25 दिसंबर से पहले पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फीस, अदरवाइज उसके बाद फीस हाइक होने वाली है। तो अब आप अपकमिंग बैचेस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं और आप जिनसे चाहेंगे प्लस पर, और आप उन टीचर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो केवल आपको ये सारी चीजें एक सब्सक्रिप्शन में, अंडर वन सब्सक्रिप्शन, ऑल टॉप एजुकेटर्स। ओके गाइस, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ओके गाइस, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी लोग? चले अब हम आज अपनी टॉपिक को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज जो हमारी टॉपिक है, आज वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटजीज के बारे में। गाइस देखिए, मैं मोहम्मद सैफ अहमद आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो आपके ये यूनिट 9 है, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट है, जो टोटल 10 यूनिट है, तो उनमें से जो यूनिट 9 है वो मैं आपको यहाँ पे तैयार कराऊंगा और हम देखेंगे कि यूनिट 9 में जो ये आपके डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स का है सेगमेंट, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी टॉपिक है, हमें इसको पढ़ना कैसे है, इसके लिए स्ट्रेटजी हमारी कैसे होगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देख करके चलेंगे। ओके गाइस, तो सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा गाइस, मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी की क्लास शुरू करने वाला हूँ। मैं अपनी, आज मेरी जो क्लास शुरू होने वाली है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं आप लोगों के सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप आज ये क्लासेस देख लेते हैं तो आप खुद मालूम चल जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है आपको पेपर 1 में और खासकर पीपल इन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के सेक्शन में। ओके गाइस, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की टॉपिक, और जो हमारी टॉपिक है स्ट्रेटजी या सिलेबस के बारे में, तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा गाइस कि हमारे यहाँ जो यूनिट 9 है उससे 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यानी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो आपको इस यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन देखिएगा, ये 5 क्वेश्चन, खासकर जो एनवायरमेंट का सेगमेंट है, ये काफी डायनेमिक है और इसमें आपका यूजीसी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है, 1-2 क्वेश्चन में जरूर मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो हमारी, हम इस तरह से अपनी अप्रोच रखें, अपना स्ट्रेटजी इस तरीके से रखें कि हमारा सारा का सारा क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में हमें डाउट ना हो। तो आज मैं आपके लिए इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि इतने शानदार तरीके से मैं आपको आज सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को वाकई मजा आने वाली है गाइस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। निलंजना जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरा फिर से, मैं उनका अनअकैडमी पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ठीक है गाइस, चले अब हम आगे देख के चलते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, आप जो देख रहे होंगे, जो टोटल 7 चैप्टर हैं, उसको हमें कैसे पढ़ना है और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, यही आज इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो फिर देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में।
सबसे पहले हम देख के चलेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का जो हमारा पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, इससे पहले आपके सिलेबस में पीपल्स था और एनवायरमेंट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, डेवलपमेंट को भी जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसको डेवलपमेंट को क्यों यहाँ पे ऐड किया गया, और आपको मालूम होगा कि ये जो आपका एनवायरमेंट वाला सेगमेंट है डायनेमिक है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें ऐड होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे तो कई टॉपिक इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। तो गाइस इसी तरीके से हम देख के चलेंगे जो वही जो ट्रेंड चेंज हो रहा है या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरा जो फोकस होगा मेनली उसी पर होगा। बाकी तो आपको मैं एक ही टॉपिक बहुत अच्छे अंदाज से कवर करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप सब बच्चे बेफिक्र रहिएगा। तो आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि आपके सिलेबस में डेवलपमेंट क्यों जुड़ा, यानी कि समाज में इसका यही मतलब हुआ, जो समाज में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा जो यूनिट है इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो तभी बोला जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो हमारे जो विकास हो रहा है समाज में उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे आप हमारे यहाँ देखिएगा, रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हो रही है, एक तरफ तो विकास हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कीमत हमें एनवायरमेंट को चुकानी पड़ रही है, हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है, तो जिससे इम्पैक्ट हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में है, तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलो गाइस, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मेरी पहली क्लास है आप लोगों के लिए, मैं सिलेबस और स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आज देखिएगा, इतने शानदार तरीके से मैं आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आज के बाद आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट को लेकर के कोई भी फिक्र नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अंदाज से आपको सारी के सारी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे, चाहे एमसीक्यूज होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, तो इस शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ है। बस उसका जो उद्देश्य है अनअकैडमी का कि आप लोग GRF 2021 में अच्छे तरीके से आप उसको क्रैक कर लीजिए, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरे प्यारे बच्चों लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको डेली मेरे क्लासेस में आना पड़ेगा, बाकी के सारे टीचर के क्लासेस में, जिससे क्या होगा, अनअकैडमी जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा है, आप उसको क्या कर सकेंगे, आसानी के साथ देख सकेंगे, ओके। चलो भाई, अब हम देख के चलते हैं डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है, तो वहां पे आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम सबसे पहले जो अपने टॉपिक जब कल से शुरुआत करेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और आपको मालूम है इन सब के डेफिनेशंस बताने के साथ ही साथ हम देखेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट की शुरुआत कब से हुई है, इसके कितने पूरे के पूरे गोल कितने थे, MDG के गोल कितने थे, फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा विकास जो हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनका हित में उनका ख्याल रखा जाए, और इस तरीके से अपने संसाधनों का यूज किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचे। मतलब हम अपने रिसोर्सेज का आज इस अंदाज में यूज करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो, वो चीजें बची रह जाए। जैसे समझ में आया, तो कल मैं आपको जब ये टॉपिक जब शुरुआत करूंगा तो देखिएगा एक एक चीज बहुत अच्छे से डेफिनेशन से लेकर के सारे चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कब शुरुआत हुई थी इसकी, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2000 से शुरुआत हुई थी, इसी तरीके से इसका अचीवमेंट मतलब कब इस एम को अचीव करना था, तो वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, ओके। तो कविता जी गुड मॉर्निंग, अंकित तिवारी जी बिल्कुल जी, अंकित जी मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा सर, मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बिल्कुल। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन हो या कोई भी आपका पेपर फर्स्ट जो आपके ये जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, गाइस देखिए अनअकैडमी की जो टीम है यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे। लेकिन आज शर्त है, जैसे कि कल आप लोगों को ये बताया गया था कि आज से हम लोगों की पहली क्लासेस शुरू होगी, तो पहली क्लासेस अभी शुरुआत हुई है, तो आप, मैं ये कहता हूँ कि सारे टीचर्स की आप वीडियोस देखिएगा, आज की जो क्लास है सारे टीचर मैक्सिमम उसमें क्या कर रहे होंगे, अपने सिलेबस और स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज अगर हम सिलेबस और स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिए तो ये जो 5 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं गाइस एग्जाम में, ये आपके बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलने वाले हैं,
ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे आपका डेटा पर इंटरप्रिटेशन का हो या और कोई भी पेपर वन में डाउट हो वो क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की, तो गाइस प्लीज अभी इस पे फोकस रखिएगा, इसके बारे में तो समझ लो पहले। आप यहाँ पे जिसलिए आए हो तो आज इस सब्जेक्ट के लिए आए हो ना, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमें पढ़ना है, कब शुरुआत हुई हम देखेंगे ना। देखिए पढ़ाने का अंदाज मैं आपको आपको बता रहा हूँ, जैसे हमें आपको टॉपिक पढ़ाना है आगे, इसकी कब शुरुआत हुई, इसमें कितने गोल थे, इसको किस ईयर तक अचीव करना था, कितना अचीव किया है, मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर वन में आपको। ओके गाइस, तो चैप्टर नंबर वन में हम ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे, यानी कल से ही टॉपिक शुरुआत करूंगा। आज मैं आपके लिए सिर्फ पूरी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, बिल्कुल इसको आप मिस मत करिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, बहुत मजा आने वाली है इस सब्जेक्ट में हमें और इस टॉपिक में। 5 क्वेश्चन देखिएगा इतने आसानी के साथ आपको मिलने वाले हैं इस टॉपिक से, मतलब पूरा के पूरे सिलेबस से। फिर हम बात करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा यहाँ पे चैप्टर लिख रखा है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। तो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस में यहाँ पे एनवायरमेंट इश्यूज क्या है, इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और सारी की सारी चीजें जैसे आपको पूछी जा सकती है कि हम जब इसमें देखेंगे ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन में, इसमें हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे क्या होता है, इसमें हम गाइस इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो और इसमें हम हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ेंगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम स्पीसीज का रिचनेस हो या थ्रेटेंड हो, खतरा संकटाग्रस्त हो वहाँ पे, तो सारी की सारी चीजें गाइस हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं एक एक टॉपिक में, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। फिर हम सारे के सारे सोर्सेज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखिए अगली यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, यानी कि एंथ्रोपोजोनिक मतलब होता है कि मानवों के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, इंसानों के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है उससे हमारे एनवायरमेंट को लेकर के क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, मैं सभी को यही कहता हूँ कि मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जो आज चुकी हमारी जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इधर हम इसको सिलेबस और स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेंगे तो यकीन मान लीजिएगा सारी की सारी चीजें आपको कवर होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे हम इकोलॉजी के बारे में देखेंगे, इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, हॉटस्पॉट के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो सारी चीजें हम इस टॉपिक में अपना देख लेंगे। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, रिसेंटली कौन ऐड हुआ है, तो गाइस बेफिक्र रहिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसीलिए आया हूँ कि जो इसके डायनेमिक चेंजेस है वो मैं आपको कवर करवा सकूँ। उसके बाद हम जब देखेंगे एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब किस तरीके से हमारा पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है, तो हम इसको देख के चलेंगे। अच्छा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि अभी आपको जो मैंने 2 चैप्टर समझाया है, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे चलूं। जल्दी से कविता जी, अंकित जी, निलंजना जी या बाकी मेरे और भी स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोग बता दो क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आगे अपने 3rd चैप्टर पे चलूं जो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के हैं कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें पढ़ना है। चलो, थैंक यू आप सभी का। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनवायरमेंटल इश्यूज को, जो हमारा 3rd चैप्टर होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, और ये देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे, और आते भी हैं यहाँ से एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन। तो हम इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। अब इसी में हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और सारे के सारे चीजों को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, और फिर इसी टॉपिक पे हम देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है क्लाइमेट चेंज के, यानी कि क्लाइमेट चेंज होने से सामाजिक और आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पर क्या फर्क पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू अंकित जी, निलंजना जी, आपको भी समझ में आ रहा है, तो भैया बाकी बच्चे भी कमेंट कर दें जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम जो तीसरा वाला चीजें हैं, तीसरा चैप्टर, इसी में हम ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को, सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और फिर देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक
क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, क्लाइमेट चेंज का यानी कि जलवायु परिवर्तन का सामाजिक और आर्थिक क्या चेंज होगा, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, और राजनीतिक क्या फर्क पड़ता है। गाइस देखो, सामाजिक कैसे फर्क पड़ेगा आपको मैं थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उससे क्या होगा, हमारे एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खेती वगैरह पर, कृषि वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब कृषि पर इम्पैक्ट पड़ा तो इससे क्या होगा, लोगों को फूड की दिक्कत आएगी, प्लस सर्वाइवल की दिक्कत आएगी, और कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से क्या होगा, कमजोरी आएगी, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा कि कैसे हमें कनेक्ट करना है क्लाइमेट चेंज को अपने सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, और फिर इसी का राजनीतिक डायमेंशन देखेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एक टॉपिक को दूसरे से कोरिलेट करते हुए शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा मैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो बहुत मजा आने वाली है, बस आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा। तो हम आगे अब चलते हैं, देखते हैं कि तीन जो आपके तीन चैप्टर हो गए, इसके बाद चौथा चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, चौथा चैप्टर जब हम देखेंगे, देखिए हम सारी चीजें उसी में पढ़ लेंगे ना, इम्पैक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, सारी की सारी चीजें हम इस पर पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे जब हम अगला देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो हमारा प्रदूषक है, एक प्रदूषण होता है, प्रदूषक होता है, दोनों में पहले हम डिफरेंस देखेंगे, फिर उसका मानव की सेहत पर यानी कि एक इंसानों की सेहत पर क्या असर पड़ता है। जैसे आपको मैं बहुत से इश्यूज यहाँ पे बताऊंगा कि लेड को लेकर के, शीशा वगैरह को लेकर के, ऐसी कई चीजें होंगी कि हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल असर पड़ता है एक ह्यूमन की हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य क्या जिससे बैंक पड़ रहा है, उसको भी हम देखेंगे। अगला देखिएगा यहाँ पे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, जो आपका चैप्टर 5 है, तो नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इस पे हम देखेंगे कि क्या होता है रिन्यूअल रिसोर्सेस। ठीक है गाइस, कि हमारा रिन्यूअल रिसोर्सेस क्या होता है, नॉन रिन्यूअल क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, आपको मालूम होगा रिन्यूअल चीजें ऐसी चीजें कि जिसका हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार खत्म हो जाए तो हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह, ये सब हमारी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल के बारे में देख के चलेंगे तो एक बार अगर ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा मिलना मुश्किल है इसका, जैसे कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक में देख के चलने वाले हैं। प्राकृतिक रिसोर्सेज देख के चलेंगे, सोलर के बारे में, विंड के बारे में, सॉइल के बारे में, तो सारी के सारी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे, बायोमास हो या न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट के बारे में हो, सब कुछ मैं आपको इस चैप्टर नंबर 5 में नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मैं कवर करवाने वाला हूँ गाइस। ओके, तो चैप्टर नंबर ये 5 था, याद रखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे जो बोला है, ये आपका क्लाइमेट चेंज तीसरा और ये चौथा था। ठीक है, हजारडियस को लेकर के था। यहीं पे हम देखिएगा जो सारी चीजें हैं आपके, हम कवर करने वाले हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कल से मेरी क्लासेस में। तो अब फिर हम बात करते हैं नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको। फिर देखिएगा नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में हम देख के चलेंगे, जो आपका छठा चैप्टर है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, यानी कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होता है, डिजास्टर्स क्या होता है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि भूकंप अगर, हाँ हिंदी वाले भी सुनते रहो भैया, मैं यहाँ पे भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, बाढ़ के बारे में, सुनामी के बारे में, सारी की सारी चीजें हम इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो नेचुरली डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब है धन जन की बहुत ज्यादा हानि हो वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचे और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो, इसको हम बोलते हैं धन जन की हानि। तो वही हमारा नेचुरल हजार्डस एंड डिजास्टर वाले हम अपने चैप्टर नंबर 6 में, यानी कि ये हमारा 4, 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो पार्ट 6 में, चैप्टर नंबर 6 में हम इस चीज को कवर करने वाले हैं गाइस। बिल्कुल आपको मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि सारी टॉपिक को इतने शानदार तरीके से आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ में आने वाले हैं कि आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रैक करने में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। और इन्वायरमेंट तो देखिएगा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको मतलब एक बेसिक जानकारी तो हम सबको होनी चाहिएगा इन्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मेरा आपको बताने का मकसद आज यही है कि हम आज जो हमारी पहली क्लास है,
उस पर हम कैसे डिस्कस करेंगे नेचुरल्स, अपने स्ट्रेटजीज को, सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ और कैसे मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल एक एक टॉपिक शुरुआत करूंगा, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करूंगा और पूरा का पूरा 7 चैप्टर को मैं खत्म करने वाला हूँ कि 5 क्वेश्चंस में से आपको आसानी के साथ 4-5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या वाकई आपको समझ में आ रहा है और टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो, जितने भी लोग ऑनलाइन हो अभी, क्या आपको अभी तक जो मैं चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ यानी कि इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमें इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चलो थोड़ा सा कमेंट लेट चलता है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अब हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं गाइस कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो एनवायरमेंट का सेगमेंट है, यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो हम सारी की सारी चीजों को उसके डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके सुष्मिता जी, थैंक यू। अंकित जी, बाकी और भी बच्चे, चले शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग देखिए एक चीज मैं बता दूं, जितना अच्छा आप हमारा कोऑपरेट करोगे उतना जबरदस्त तरीके से चीजें आपको मिलने वाली है, यानी कि आप देखोगे कितने शानदार तरीके से अगर आप हमारे साथ इंटरेक्ट, देखिए इस तरीके से पढ़िए ना जैसे मैं आपके सामने ही बैठ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से हमारा लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, तो बहुत मजा आएगी जब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इंटरेक्शन अच्छा होगा ना, तो आपको सारे के सारे डाउट्स मैं यहाँ पे सेशन में क्लियर करने वाला हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत मजा आने वाली है गाइस। लेकिन आप क्या रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और सारी के सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे। ओके भास्कर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुष्मिता जी भी और भी बाकी स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट किया है उनका भी शुक्रिया। ओके गाइस चलो, तो अब हम अपने 7 चैप्टर और आखिरी चैप्टर पे आते हैं, कहने का मतलब जो हमारा 7 पॉइंट्स है इस यूनिट का उसको हम देख के चलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं एक्ट्स एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह है हमारा ऑन एनवायरमेंट, इस पे हमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, यानी कि हिंदी में बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय समझौता, साथ ही साथ प्लस हमें जो जितने अधिनियम हैं, अधिनियम आप समझते हैं ना जो कानून बन जाते हैं, और ये किससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गाइस, ये मैं केवल पर्यावरण से रिलेटेड चीजें पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें वहां पे कवर करवाने वाला हूं, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड हमारे अंतरराष्ट्रीय समझौता में यानी कि किस देशों से हमारा क्या समझौता हुआ है या वर्ल्ड लेवल पर किसका किससे हुआ है, कहाँ पे कोई कन्वेंशन हुई है, कहाँ पे कोई ट्रीटीज हुई है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीजें हम इसमें देख के चलेंगे। और इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी हमारे कॉप है यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज हैं, कन्वेंशंस हैं, बिल्कुल गाइस मैं क्लियर करने वाला हूं, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जैसे जिसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में है ना, आपको मालूम होना चाहिए हमारे गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और फिर हम रियो समिट के बारे में देखेंगे, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में देखेंगे, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी शांति समझौते हुए हैं पर्यावरण को लेकर के, उसको हम एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट में आप हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है कि कौन सा देश ने इसको विड्रॉ किया, आपको मालूम है ट्रंप जी ने यहाँ पे क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था, बाद में बोला कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इस फैसले से अलग होना चाहते हैं। तो बिल्कुल जो भी चीजें आपको यहाँ पे चेंजेस होंगे, जो भी डायमेंशंस होंगे, मैं आपको गाइस अपने टॉपिक में मैं सारी चीजें करवाने वाला हूँ, हम आपको कोई भी और विद करंट से यानी कि जो टॉपिक करंट से अपडेट होने वाली है वहां से मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में भी आप अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए हिंदी का भी पूरा का पूरा यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण को लेकर के आपके सामने हिंदी में भी आया हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूं मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होने दूंगा, कंटेंट हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा आपको, और इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश करके आपको पढ़ाता रहूंगा कि आप क्या होगा बच्चों कि आप चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हो, वो मेरे लिए यहाँ पे बराबर है और उसको मैं इतने शानदार तरीके से कवर कराने वाला हूँ कि आपको जो 5 क्वेश्चंस मिलने हैं यानी कि इस टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी के साथ हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं।
और गैस मैं आपसे फिर बताता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वहां पे या तो कुछ फ्री क्लासेस भी होती है, जैसे कि ऐप पे, गैस ऐप के बारे में बता दूं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप की कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं, वहां पे आपको अनलॉक करना पड़ेगा तो ही आप फ्री के जो वीडियोस होंगे इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, SAP10। ओके गाइस, तो आप वहां पे मेरा जैसे ही रेफरल कोड यूज करेंगे तो जो आपकी स्पेशल क्लास होती है सैफ, ठीक है, वो आप फ्री में देख सकते हो अनलॉक करके SAP10 का यूज करके। और अगर आप हमारे साथ प्लस पे जुड़ते हो तो यकीन मान लीजिएगा, प्लस पे तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सारी चीजें इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से वहां पे आपको कराया जाएगा, ठीक है, और आप जिससे चाहते हैं उनसे पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहेंगे आप अपने वीडियोस देख सकेंगे, आपको वहां पे लाइव इंटरेक्शन अच्छा मिलेगा, आपको वहां पे PDF मिल जाएगी, आपको वहां पे क्विज होंगे, आपकी सारी की सारी चीजें इस कदर वहां पे तैयार करा दी जाएगी कि केवल एक सब्सक्रिप्शन में आपका नेट GRF का उद्देश्य क्या होने वाला है फुलफिल होने वाला है। और अनअकैडमी बहुत एफोर्डेबल प्राइस में लेकर के आपके लिए आती है, और अगर आप एक साथ फीस जैसे 9,000 8,000 आप पे करने के नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए EMI सिस्टम को भी लेकर के आता है, EMI, ठीक है। इससे गाइस क्या होने वाला है कि आप इंस्टॉलमेंट पे मंथली बेसिस पे भी आप अपनी फीस पे कर सकते हो, तो बहुत कम पैसे में 600 700 800 रुपए महीने में क्या कर सकते हो, आप आराम से अनअकैडमी पर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो आसानी के साथ, और अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जल्दी से आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको जो समझाया है, जो भी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है, आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर जो आपने सिलेबस समझाया है और एक स्ट्रेटजी भी बताई है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और कल मैं फिर 10 बजे ठीक आपके सामने आने वाला हूँ एक नई टॉपिक को लेकर के। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि आपको समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज सैफ सर के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा कि वाकई शेयर करने वाले ये वीडियोज है, तो शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर आपसे बताता हूँ कि मैं स्पेशल क्लास भी ऐप पर लेता हूँ, मेरी स्पेशल क्लास भी ऐप पर चलती है गाइस, ठीक है। तो स्पेशल क्लास चलती है, वहां पे मैं आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट और पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट सेगमेंट हम स्पेशल क्लास पे भी पढ़ाते हैं, तो वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हो, और मेरा रेफरल कोड वहां पे भी आप फ्री में देखने के लिए भी SAP10 यूज कर सकते हैं। और अगर आप प्लस पे अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप SAP10 मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, और 10% आपको क्या मिलने वाला है वहां पे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइस बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराने वाला हूँ। इन्वायरमेंट में आपको इतना, जो कुछ बच्चे इससे भागते होंगे ना कि सर बिल्कुल इन्वायरमेंट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो बिल्कुल याद, आप बेफिक्र हो जाइएगा, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिएगा इसकी, कि इस अंदाज में आपको मैं कवर कराऊंगा कि एक एक टॉपिक आपका, कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मैं नहीं, मेरी पूरी टीम अनअकैडमी की आपके लिए गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यूट्यूब पर लेकर के आई है, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज हमसे जुड़े हैं, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, और इसको मैं आप और चाहूंगा कि कल से और ज्यादा लोग हमारी क्लास को देखें यहाँ पे, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, और इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अनअकैडमी का एक उद्देश्य है, एक स्लोगन है, लेट्स क्रैक इट गाइस, तो लेट्स क्रैक इट का सपना वो फुलफिल कर दीजिएगा, लेकिन आपकी मेहनत भी जरूरी है। हमारी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे लगी हुई है, और आप देख रहे होंगे आज तो पहली क्लास थी, और आज से ही से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है, अच्छा खासा आपके पास वक्त है एग्जाम का, तो प्लीज हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और लेट्स क्रैक इट वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल कर लीजिएगा। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब प्यारे बच्चों, मेरा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारा यहाँ पे वीडियो देखा। तो हम फिर कल 10 बजे आपको मिलने वाले हैं नई टॉपिक के साथ, तो मेरी क्लास मिस मत करिएगा। कल भी मैंने अपने इंट्रो वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लास मिस मत करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।